मध्य प्रदेश के शिवपुर में दो दलित बच्चों की हत्या से आक्रोशित दलित समाज सड़कों पर उतर आया है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। विदित हो, कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के जनपद शिवपुरी में खुले में शौच करने का आरोप लगाते हुए इलाके के लोगों ने दो दलित बच्चों को बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके इलाज के दौरान मौत से प्रदेश के देश में राजनीति में भूचाल आया है। इस घटना के विरोध में दलित समाज के लोग कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद एक ज्ञापन भी सौंपा। आज वाल्मीकि समाज के संयुक्त संगठन अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों के संयुक्त रूप में अंबेडकर पार्क में वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए और अंबेडकर पार्क से यहां तक मध्य प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद लगाते हुए और उनकी सरकार को भंग करने की मांग को लेकर और उन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और जो वहां का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जो वहां पर षड्यंत्र करता है उनको बचाने का प्रयास कर रही है। हम आज 1 सूत्रीय मांग पत्र हम देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय जी को, राष्ट्रपति जी को संबोधित है। हमने इसमें मांग की है कि सबसे पहले उन अधिकारी जो दोषी अधिकारी हैं, भारत के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट अगर भारत के अंदर चल रहा है तो वो स्वच्छ भारत अभियान, और बड़ी विडंबना की बड़ी निंदा की बात यह है कि उस दलित वाल्मीकि परिवार को 2 साल से शौचालय की मांग करने के बावजूद भी उसको शौचालय नहीं बना के दिया गया, सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया गया, और यही एक कारण है जो दो बच्चे, 1 12 साल की लड़की और 10 साल का एक लड़का सुबह सुबह शौच करने गए थे, वहां पर दबंग लोगों ने उनकी लाठी डंडे मार मार कर हत्या कर दी गई। तो हम मांग करते हैं कि इसमें जो प्रशासनिक DPRO सबसे पहले इसमें दोषी हैं शिवपुरी के, शौचालय ना बनाना DPRO की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ में वहां के सेक्रेटरी, वहां के ब्लॉक प्रमुख, ADO पंचायत और प्रधान के खिलाफ भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से मांग करने के बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं दिया गया। और अगर हमारी बात को नहीं माना, क्योंकि हमने वो परिवार की स्थिति देखी है, आज भी पन्नियों में रह रहा है, आवाज कुछ नहीं है उसके बाद, हमने मांग की है सबसे पहले कि मध्य प्रदेश सरकार को, कल्पनाथ सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।